बिलासपुर सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक बीमारी के समय में भी कांग्रेसी नेता अपनी राजनीति चमकाने से बाज नहीं आ रहे हैं। बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान सुभाष ठाकुर ने कहा कि संकट की इस घड़ी में सभी लोगों का दायित्व है कि वे अपने अपने तरीके से इससे लोगों को बचाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि जितने जिम्मेदारी भाजपा के विधायकों की समय है, उतनी ही जिम्मेदारी कांग्रेस के विधायकों की भी अपने अपने क्षेत्र के प्रति है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से सकारात्मक भूमिका अदा करने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट का पूरे विश्व के लिए एक नया अनुभव है और अभी तक इस बीमारी की दवाई नहीं बन पाई है। अमेरिका जैसे विकसित देश भी इस बीमारी से बुरी तरह त्रस्त हैं, जबकि देश की हालत अन्य देशों से बेहतर है। प्रधानमंत्री ने समय पर लॉकडाउन लगाकर इस बीमारी का ज्यादा फैलाव होने से रोका है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में भी अन्य राज्यों की तुलना में हालात काफी बेहतर हैं और बिलासपुर जिला में भी कोरोना संक्रमित उचित कदम उठाए जाने के कारण ज्यादा इसका फैलाव नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बाहर रह रहे लोगों को वापस लाना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है तथा वे अपने लोगों को वापस ला रहे हैं जो कि रोजी रोटी या पढ़ाई के सिलसिले में बाहर हैं। उन्होंने कहा कि हम सबको कोरोना वायरस के साथ जीना होगा और विकासात्मक कार्यों को भी गति प्रदान करनी होगी। आज कोरोना की जो विश्वव्यापी एक बहुत बड़ी महामारी है और दुनिया इससे त्रस्त है, उसी उपलक्ष्य में आज मैं बिलासपुर जो हमारा प्रेस है, आप सभी लोगों का मैं आभार प्रकट करने के लिए आया हूँ कि आपकी बहुत संजीदा और पॉजिटिव इसमें रोल रहा है। आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि ये जो चौथा चरण है ये बहुत ही चैलेंजिंग और क्रूशियल है, इसलिए इसमें मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जिस तरह से कांग्रेस के लोग राजनीति कर रहे हैं वो कृपया राजनीति ना करें। यह राष्ट्र का मामला है, मानवता का मामला है, यह जीने मरने का मामला है। इसमें संजीदा और एक सकारात्मक भूमिका जरूर निभाएं। इसमें अफवाह और प्रेस में बने रहने के लिए दुष्प्रचार ना करें, अपनी अहम भूमिका निभाएं। वही व्यक्ति प्रश्न उठा सकता है जिसने अपने आप कुछ किया हो। आपने क्या किया अपने आप से पूछिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार कहता भी है, काम भी करता है। और सभी सोशल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लगी हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज लगी हैं, मैं सभी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। और जो कुछ चंद एक लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि कृपया राष्ट्र के लिए और अपने देश के लिए या और मानवता के लिए इन चीज़ों को बाद में कर लेना। और इसके साथ साथ यह मैं पूरे चुनाव क्षेत्र के लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि कोरोना का कोई भी मेडिसिन नहीं है, अभी तक इससे बचने की कोई दवाई नहीं बनी है। इससे बचने का एकमात्र अगर कोई उपाय है तो यही है कि हम जो हिदायतें हैं जैसे मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग और डिस्टेंसिंग रखें, यही इसका एक बहुत बड़ा इसका लाभ मिलने वाला है। जो इन सब चीज़ों का पालन नहीं करेगा वो कष्ट में आएगा, जो इसका पालन करेगा निश्चित तौर पर वो कोरोना जैसी इस महामारी से अपने आप को भी बचाएगा, अपने परिवार को भी बचाएगा और इस प्रदेश और देश को भी बचाएगा।